हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है जीरा राइस। अक्सर हमारे चावल बच जाते हैं, तो मैंने कहा चलो आपके साथ आज मैं बचे हुए चावल से एक राइस बनाना सिखाती हूँ, जिसे कहते हैं जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप मक्खन या नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। तो इसे थोड़ा गरम कर लेंगे। एक चम्मच डालेंगे हम जीरा, क्योंकि जीरा राइस है तो मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी। इसमें हम डाल लेंगे सूखी लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें अपने बचे हुए राइस डाल देंगे। 1 कटोरी या 2 कटोरी या जितने बचे हुए हो आप उतने डाल सकते हो। तो क्वांटिटी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो चीजों को, जैसे जीरा और जो मैंने लाल मिर्च और आपको घी बताया वैसे। अब 1 चम्मच हमने डाल दिया नमक, आप टेस्ट के अनुसार डालना। अब अच्छे से मिला लेंगे हम इसको। काफी अच्छा और टेस्टी लगता है दोस्तों। हमेशा मुझे पता है कि घरों में हमारे चावल बच जाते हैं और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। आप उनको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में भी दे सकते हैं, दाल फ्राई के साथ दे सकते हैं, राजमा के, या वैसे भी आप देंगे दही या रायते के साथ तो उन्हें बहुत पसंद आएंगे। अब थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं हरा धनिया से। लो, तैयार हो गया हमारा जीरा राइस। मेरा दिन का लंच है तो मैंने तो बना लिया जीरा राइस। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके मजे से इंजॉय करूंगी। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए, वाओ, इट्स रियली वेरी वेरी टेस्टी एंड यम्मी। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा जीरा राइस और बहुत सारे मैंने अपने जो फूड्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं मेरे चैनल में, तो आप ज़रूर जाकर उसमें देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।